मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों, जब मैंने ज्योग्राफी शुरू किया था उसके बाद मैंने एक फीडबैक के लिए वीडियो डाला था कि आप बताएं मैं वीडियो कैसे पढ़ाऊँ सामान्य अध्ययन के लिए। तो लोगों ने राय दिया कि सर आप एकदम स्टार्टिंग से प्रारंभ करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज्योग्राफी जिनका क्षेत्र नहीं रहा है उन्हें बहुत सारी समस्या हो रही है। इसलिए आप प्रारंभ मानचित्र से करिए कि मानचित्र कैसे देखा जाता है, एकदम जीरो शुरू करिए और उस शिखर तक ले चलिए जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। फिर अब जो मैं शुरू कर रहा हूं ये वीडियो एकदम जीरो से चलेगा और हर एक चीज को चलते हुए, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, जिनका भूगोल सब्जेक्ट नहीं रहा है और उनको भी पढ़ने में आसानी हो, उन्हें कोई समस्या ना आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका क्षेत्र ज्योग्राफी नहीं रहा है, बीएससी बीकॉम या बीए भी किया तो उनका नहीं रहा है, लेकिन अब सामान्य अध्ययन में उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। और यह सामान्य अध्ययन लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, सुपर टेट, टेट, माने भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है या ये अन्य परीक्षाओं के लिए उसे सामान्य अध्ययन को रखा गया है, और पर्यावरण भी, तो पर्यावरण सामान्य अध्ययन में भी भूगोल का एक अहम रोल है। इसलिए मैं एकदम जीरो से प्रारंभ करता हूँ, जहां से सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा मैप कैसे देखते हैं, मैप और ग्लोब में क्या अंतर है। तो ये सब डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा ना, बताना है कि मैप किसे कहते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, ग्लोब किसे कहते हैं। हाँ, एक मैं बता दूंगा, एटलस, क्योंकि जो पूछते हैं कभी कभी, मानचित्र क्या है, किसी भी दो निश्चित बिंदुओं को किसी पटल कागज पे उन्हें वास्तविक दूरी को निरूपित करना ही मानचित्रण कहलाता है। ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब क्या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, क्या होता है, वास्तविक प्रतिरूप होता है। ये दो चीज समझ में आ गई। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए दोनों में अंतर क्या है, मानचित्र को एक जगह से दो जगह ले जाना है, दूसरी जगह ले जाना, परिवहन करना आसान होता है, जबकि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना एक असंभव है। दूसरा, यदि ग्लोब अध्ययन के दृष्टिकोण से, पृथ्वी के प्रतिरूप के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ग्लोब को यदि कोई स्थान, जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब है, अब आपको यूपी को पढ़ना है और यूपी को जूम करके पढ़ना है, तो जैसे यूपी को हम जूम कर देंगे या इंडिया को जूम कर देंगे, वैसे इसका अक्षांश दशांतर रेखा क्या हो जाएगा, मतलब कि अक्षांश दशांतर रेखा एक में हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि यूपी कहां है, इसका जो अवस्थिति है वो बदल जाएगी। इसलिए इस तरह के जब जूम करके, कहने मतलब जो अलग अलग कालखंडों का अलग अलग स्थान का अध्ययन करना था, उसके लिए मानचित्रण आपका बेस्ट होता है या उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उस समय ग्लोब क्या होता है, निरर्थक हो जाता है। लेकिन यदि उस क्षेत्र का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को पढ़ना है, वास्तविकता पढ़ना है, तो कहां पढ़ेंगे हम, उसको ग्लोब पे पढ़ेंगे। हाँ, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, परिवहन करने के लिए समस्या हो जाती है, और मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। और यह मानचित्र क्या होता है, अच्छा एक एटलस किसे कहते हैं, मानचित्रण के समूह को एटलस कहते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ लीजिए, उसके बाद हम एक एक क्रम से पढ़ते जाएंगे, कौन सी रेखा है, क्या चीज है, सब पढ़ेंगे। तो ये था मानचित्रण और ग्लोब का अंतर, जिसको हमने क्या किया, आसानी से पढ़ लिया या समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अब प्रश्न उठता है मानचित्र कैसे देखा जाए। हाँ, ये लाजमी सवाल है, क्योंकि भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आप जानते हो तो दी बेस्ट, नहीं जानते तो आप जान लीजिएगा। देखिए, मानचित्र देखने के लिए चार दिशाएं होती है, देखिए क्या, देखिए ये चार दिशाएं होंगी। तो हमेशा जो ऊपर होता है, देखिए ये ऊपर, ऊपर क्या होता है, हमेशा ईस्ट होता है, सॉरी ये दाएं हाथ पे हमारा ईस्ट जिसे हम पूर्व कहते हैं, ये होगा वेस्ट जिसे हम पश्चिम कहते हैं, ये होगा नॉर्थ जिसे उत्तर कहते हैं, ये होगा साउथ जिसे हम दक्षिण कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर इस मैप में देखा जाए तो क्या होगा, इधर ये पूर्व होगा, इधर ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके बीच भी क्या होता है, ये 90-90 का कोण होता है, आप अभी रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहां भी बताया जाएगा। ये अब इसको डिवाइड कर दिए तो कितने कितने अंश का होगा, 45-45 अंश का, दो हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे या ईस्ट नॉर्थ कहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखिए नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, इसे क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच है तो जाएगा साउथ ईस्ट। बस ये सारी दिशाएं होंगी, इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। अगर दाएं हाथ पे है तो पूर्व, बाएं हाथ में पश्चिम, ऊपर है तो उत्तर, नीचे है तो दक्षिण, बस इतना आसान सा। और अब कुछ और आगे आते हैं। अच्छा, मैप कई प्रकार के होते हैं, लोग कहते हैं सर मैप कई प्रकार क्यों होते हैं या मैप में अलग अलग कलर क्यों होता है, हम उसको बता देते हैं। देखिए, मानचित्र वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें अध्ययन अभी दो ही प्रकार करना, एक होता है राजनीतिक मैप और एक होता है प्राकृतिक मैप। कहेंगे सर ये राजनीतिक, जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल मैप, जिसे इस मैप को जब पढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा होता है राजनीतिक, संसार के ध्यान देखिएगा, यहाँ राजनीतिक होता है, कौन सा मैप, राजनीतिक मैप। ठीक,
अब एक होता है क्या, जिसे प्राकृतिक मैप कहते हैं, फिजिकल मैप, वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं। फिजिकल मैप क्या होता है, पहले दोनों अंतर बता देते हैं, ये अभी लगा हुआ है, पहले इसको समझा देते हैं। राजनीतिक मैप किसे कहते हैं, जिसमें भी किसी भी देश, राज्य, जिले आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, राजनीतिक मैप कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें देखिए ये है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, इसमें देखिए सभी की सीमाएं, देश की क्या की गई हैं, सीमाएं दर्शाई गई हैं। क्या दर्शाई गई हैं, सीमाएं दर्शाई गई हैं। और जिस मैप में केवल सीमाओं दर्शाई जाती हैं, भौगोलिक उच्चावश नहीं दर्शाए जाते, उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मैप कहते हैं। लेकिन इसमें भी सागर, महासागर, झील और नदियों को प्रदर्शित किया जाता है। कहेंगे सर इसको क्यों किया जाता है, हाँ देखिए जब हमारे आपके यहाँ जमीन का बंटवारा होता है, अगर 10 फीट का या 20 फीट का घर है तो कहते हैं एक दो भाई हैं तो 10 फीट बंटवारा हो जाता है। लेकिन जब देश और राज्य का बंटवारा होता है उस समय भौगोलिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे महासागर उस पार ये देश, इस पार ये, इस नदी को उस पार ये देश, इस पार ये, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो क्या करते हैं, ज्यादातर भौगोलिक स्थितियां ली जाती हैं। भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, जैसे अभी भारत का विभाजन पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया जाएगा, नेपाल से, चाइना से, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, मोहम्मद सफदर द्वारा शुरू किया गया है, तो वहां आपको बताया जाएगा या बताएंगे कि क्या क्या आधार पे भौगोलिक विभाजन होता है। क्योंकि वास्तव में जब देश टूटते हैं तो कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि जो बीच की बाउंड्री होती है वो बाउंड्री ज्यादातर केस में आपको मिलेगी भौगोलिक बाउंड्री, ताकि उसमें विवाद दोबारा उत्पन्न ना हो। इसलिए राजनीतिक मैप में नदी, सागर, महासागर, झील को भी दर्शाया जाता है। ठीक, अब आते हैं राजनीतिक मैप हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसमें कलर है, अच्छा कलर क्यों दिया गया है, ताकि पढ़ते समय अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर एक ही कलर का रहेगा तो हमें अध्ययन करने में काफी कठिनाइयों का सामना होगा। जबकि अगर इन्हें कई कलरों से मिक्स कर देंगे, आप जब पढ़ेंगे, जब रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में जब पढ़ाया जाएगा, एक अध्याय आता है समुच्चय, तब वहां पे बताया जाएगा समुच्चय में इन कलरों का प्रयोग इस तरह से क्यों किया जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रीनलैंड में किया गया, कनाडा में किया गया, फिर पेरू में किया गया, फिर वेनेजुएला में किया गया। इसका मतलब यह है कि ओनली डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ से एक है, ये अलग है, ताकि सीमाएं अपने आप कलर से हम प्रदर्शित कर ले, जान सके यहाँ दूसरी कंट्री, यहाँ दूसरी कंट्री, यहाँ पे दूसरा बॉर्डर है। यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी कलर है, देखिए देख रहे आप, ये अलग अलग कलर, जरूरी नहीं है कि इसी कलर हर मैप में हो, ये बदले जा सकते हैं आपका आवश्यकता अनुसार, लेकिन ज्यादातर केसेज में यही रहते हैं। ठीक, अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके लिए थोड़ा सा सोचने योग्य है। अभी मैंने कहा कि ये कलर का प्रयोग जो हुआ है इसका केवल इसलिए आपके अध्ययन में आसानी हो, लेकिन नहीं, जब हम राजनीतिक मैप पढ़ते हैं तब केवल कलर का मतलब होता है अध्ययन करना, लेकिन जैसे ही हम कौन सी भौतिकी मानचित्र या फिजिकल मैप अध्ययन करते हैं वहां इसका मान बदल जाता है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये अभी आपने देखा वो राजनीतिक मैप था, देखिए ये प्राकृतिक मैप, ठीक। अब यहां पे जब पढ़ेंगे तो लिखा होगा ये प्राकृतिक मानचित्र, यहां पे लिखा होगा प्राकृतिक मानचित्र। ये सर इसमें डिफरेंस क्या है, आपने जो दिखा उसमें सेम वही चीज यहां है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? हाँ, इसमें भी कलर, उसमें भी कलर। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक मैप होते हैं इसमें किसी देश की सीमा को न दर्शाकर भौगोलिक उच्चावच को दर्शाया जाता है। उच्चावच का मतलब पर्वत, पठार, नदी, झील, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप और साथ में ये जैसे अंटार्कटिका है, बर्फीले क्षेत्र, सागर गहराई, सागर की ऊंचाई। कहेंगे ये कैसे समझ में आएगा, हाँ अब यहाँ पे आएगा आपका कलर या रंग, जिसके आधार पर हम ये स्पष्ट कर पाते हैं, जान पाते हैं यह कैसा क्षेत्र होगा। अगर एक भूगोल के अध्यार्थी अगर आप नहीं थे तो आज जान जाएंगे, और थे तो आप जानते होंगे कि कलर से ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या कैसा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैप पे देखिए क्या दिया गया है, कलर दिया गया है। अब देखिए जितना डार्क नीला है मतलब उतना इसमें गहराई कितना दिया है, 8,000 मीटर गहरा, मैंने समुद्र तल से 8,000 मीटर गहरा। अगर ऐसा क्षेत्र आपको मिल रहा है, ऐसा क्षेत्र मिल रहा है, इसका मतलब यह समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है, 8,000 है। अगर व्हाइट मिल रहा है तो मैंने बर्फ की चादर है, क्या है, बर्फ की चादर है, यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ है। अगर सागर में कहीं व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मैंने सागर छिछला है, उसकी गहराई कम है। डार्क नीला है तो गहराई ज्यादा है, नीलापन कम हो गया, गहराई देखिए क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। उसके बाद अब आते हैं हरे पे, जितना हरा वो समुद्र के मैदानी क्षेत्र है, जो जिसको डार्क देखिए हरा हल्का करते जा रहे हैं तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। जब हम पीले में पहुंचते हैं तो पीला का मतलब मरुस्थली क्षेत्र नहीं है, पीला का मतलब होता है क्या, पठारी क्षेत्र।
अभी पढ़ाएंगे इसकी ऊंचाई कितनी है पठान छत का, 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर का सातता समुद्र तल से 1000 मीटर है। अच्छा एक बात और भी बता दें, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ते हैं तो कहते हैं प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा है मेरियाना ट्रेंच, वह 11022 से 11005 मीटर गहरा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर या 8850 मीटर है, वो कहां से है तो समुद्र तल से, क्योंकि भूगोल का अध्ययन या गहराई या ऊंचाई के लिए जो किया जाता है वो समुद्र तल को, जो उसका समुद्र तल है उसे सदैव जीरो माना जाता है, इसके ऊपर इसके नीचे इसको जीरो मान के इसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि क्योंकि ये माना जाता है जो वाटर साइकिल है, अभी आगे हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे जो वाटर साइकिल है उसकी वजह से, वाटर साइकिल वजह से या इसका जो क्रम होता है वह सदैव बरकरार रहता है, इसलिए इसको जीरो मानकर अध्ययन किया जाता है किसी चीज की ऊंचाई। अच्छा आप गौर करिएगा, जब कभी किसी स्टेशन में जाइएगा रेलवे स्टेशन पे, वहां पे बोर्ड लगा होता है कि ये फला स्टेशन, जैसे है जौनपुर जंक्शन, तो वहां पे लिखा होता है समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, नीचे ये पीला सा बोर्ड होता है, नीचे लिखा होता है समुद्र से ऊंचाई। अगली बार ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर स्टेशनों पर लिखा होता है तो आप जान जाएंगे कि समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है। तो अब जो प्राकृतिक मैप होता है, देखिए सागर महासागर पर्वत पठार मरुस्थल और डार्क करते गए, देखिए ऊंचाई बढ़ती गई, लाल की है पठारी पर्वती दोनों हो गया, अभी इसमें अंतर बाद में जानेंगे पर्वत और पठार में क्या अंतर, लेकिन ऊंचाई बढ़ती गई। अब डार्क एकदम देखिए बैंगनी टाइप हो गया, देखिए ये चीज ये क्या है, अब तो यह है पठार लेकिन तो डार्क क्यों किया गया है, अब पढ़ेंगे कि पठार पर्वत में कुछ अंतर है, कुछ अपवाद भी है, इसे कहते दुनिया की छत, शायद आप नाम जान गए होंगे अगर भूगोल पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तब भी आप जानते होंगे, इसे क्या कहते हैं, एक तिब्बत का पठार या पामीर की पठार, पामीर की गांठ, इसे दुनिया की छत कहते हैं। ये यहीं पे जब हम लोग पढ़ेंगे या मोहम्मद सरफराज जी जब भारत के भूगोल सीरीज शुरू किए हैं वहां आपको ये बताएंगे ये ऐसा क्यों है यहाँ पे ढेर सारे, क्योंकि हम आपसे भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपसे हम भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज तोड़ तोड़ बताएंगे क्यों टेढ़ा है, क्यों यहाँ गांठ बनी है, क्या ये सारे के कारण है, मैं सारे आपको डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी हमें सामान्य अध्ययन में क्यों सामान्य जानकारी पढ़नी है। तो आगे हम लोगों को देखा यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए सबको व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर ये जो चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर दक्षिणी चीन सागर, इसका मतलब छिछला सागर है, क्योंकि ये द्वीप है, द्वीप में भी देख रहे हैं पीला माने समुद्र तल के पास हरा, तो यह जो कलर है प्राकृतिक मैप में वह हमें क्या दर्शाता है, वह वहां की उच्चावच दर्शाता है। ये उच्चावच क्या होगा सर, बार बार उच्चावच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए भूगोल की भाषा में जो उच्चावच का मतलब होता है किसी भी स्थान पे उसकी ऊंचाई और गहराई का जो अंतर होता है भूगोल की भाषा में उसे उच्चावच कहते हैं। उच्चावच का तात्पर्य अंतर, भाई आपने 10 नंबर पाए हम 12 पाए, ज्यादा कौन मैं कितना 2, आप 18 पाए मैं 15 पाया, ज्यादा कौन आप कितना 3, तो यही उच्चावच है। मतलब भूगोल में भैया क्या अध्ययन करना है, पर्वत पठार नदियां झील सागर महासागर इन्हीं को अध्ययन करना है, इनके आधार पर मानों का भी अध्ययन हो जाता है, फिर बातेंगे हम लोग क्योंकि हमने अपना ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अब इसको भी डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे इसका भी, फिर अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज हमें इतना समझना था कि मानचित्र को कैसे देखते हैं, अब यहां देखेंगे, यहां भी आप ये मैप पढ़ने के बाद पहले प्राकृतिक मैप पढ़ाई जाती, सॉरी राजनीतिक पढ़ाई जाती है, फिर प्राकृतिक, आप यहां अंदाजा लगा लेंगे कौन सा क्षेत्र कहां है, तो आप हम लोग पढ़ लेंगे राजनीति, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर जब मैप देखते हैं कभी देखिए इस तरह का चित्र दिखता है ध्रुव, तो अभी देखेंगे मर्केटर, अभी स्केल पढ़ेंगे हम लोग किस स्केल पे किस पैमाने बनाया गया है, देखिए इस कोने पे लिखा होता है पैमाना, तो ये सारी चीजें हम लोग जब ऑप्शनल भूगोल पढ़ेंगे, ऑप्शनल तो मतलब वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल, तो मैं वहां पे बताऊंगा, ये सामान्य अध्ययन का जब लोग विषय खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और मेरी एक ख्वाहिश और तमन्ना है कि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने पूरी ज्योग्राफी नहीं डाली ऑप्शनल के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में, मैं जल्दी शुरू करूंगा, लेकिन अगर एक बार ये पढ़े रहेंगे तो अगली बार पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और इतना रोचक है, एक एक टॉपिक एक एक दिन की है, और पढ़ने में बहुत मजा आता है, वास्तविकता है कि ज्योग्राफी साइंस का भी विषय है और कला का भी विषय, इसलिए पढ़ने में और मजा आता है, और खासकर मेरे जैसा पढ़ने वाला और आप जैसा भी पढ़ने वाला दोनों लोग, क्योंकि मैं भी तो अभ्यर्थी हूँ, जब अभ्यर्थी हूँ तो नई नई चीजें लाऊंगा आपके लिए, और मैं ये भी सोचूंगा कैसे मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए, वैसे भूगोल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जिस दिन आप आ जाएंगे पढ़ने वो दिन सब कुछ धराशायी हो जाएगा, मुझे पता है मेहनत करेंगे। चलिए ये हो गया एक छोटा सा परिचय हो गया, फिर हमने क्या देखा, अब भारत को भी देख लेते इसी बहाने, जब मानचित्र में क्या है, आज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही करते हैं, इंट्रोडक्शन करते जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करते ही चले तो भारत का ही बता दे, देखिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, अपने घर पे अगर भूगोल पढ़ना है तो अगर आप भूगोल के स्टूडेंट नहीं है एक मानचित्र रख लीजिए, मानचित्र रखने के बाद क्या करेंगे आप, इन सभी क्षेत्रों को डेली उठिए, अब पहले देखिए, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा परिचय कराते चलूं, ये है एशिया महाद्वीप और इसमें मिला हुआ है यूरोप,
अभी आगे पढ़ेंगे कहां से यूरोप कहां से एशिया है, लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं यूरेशिया। तो डेली कुछ मत करिए, देश देखिए उस देश की राजधानी क्या है। सुबह उठने के बाद केवल पांच देश के नाम ऐसे आइए, उनके देश के नाम उनकी राजधानी पढ़ लीजिए। जब पढ़ेंगे तो रोज पढ़ते पढ़ते आपको पूरा जो 193 देश यूनियन के अनुसार है उन देशों के नाम, उनकी लोकेशन, उनकी राजधानी याद हो जाएगी। अभी कोई कह देगा भैया मंगोलिया कहाँ है या उसकी उड़ान बटोर क्या, क्योंकि उड़ान बटोर तो पढ़े हैं। अरे मंगोलिया की राजधानी है, मंगोलिया कहाँ, अरे चीन और रशिया के बीच, तुरंत आप पहुंच जाएंगे हाँ मंगोलिया यहाँ है। अरे यहाँ तो दो कुबड़ वाले उठ पाए जाते हैं, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अभी कोई कह दिया भाई मकर रेखा गुजरी है कहाँ कहाँ, तो तुरंत मेरे मकर रेखा तो यहाँ गई, ऑस्ट्रेलिया से भी गई है, तीन महाद्वीप से गई है। कौन कौन महाद्वीप, अरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। तो अभी रेखा पढ़ाएंगे तो चीजें हमको बताएंगे कौन कौन सी कहां कहां गुजरी है, लेकिन फिर भी आप इस बात को जानते रहिएगा, समझते रहिए। सात महाद्वीप का परिचय करवा देते हैं इसी समय, क्योंकि मैप पढ़ रहे हैं तो मैप में चीजें जान लीजिए आप, ठीक। और हाँ, अगर आपको वीडियो बेहतर लगे सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर आप पढ़े होंगे तो रिविजन हो जाएगा। देखिए ये है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत के पूर्व कभी कई इसके भौगोलिक मैंने बताया भौगोलिक, तो यूराल पर्वत के पूर्व का हिस्सा एशिया, पश्चिम का यूरोप। अभी आएंगे यहाँ भी देखेंगे ये भूमध्य सागर, यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना होगा, इसके आधार पर भी देखेंगे कि इसके पूर्व में कौन, ये मान लेते सीधा ये एशिया है, ये यूरोप का हिस्सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जानते हैं ना, ये द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है तो जानते ही होंगे आप। ये देखिए मेडागास्कर है, ठीक, ये फॉकलैंड है, ठीक, ये आइसलैंड है, ये सारी चीजें देखते चलिए। और जापान का नाम सुना ही होगा आपने, तो जापान भी एक द्वीप है, देखिए देख रहे हैं जापान भी क्या है, द्वीप है यहाँ। और अच्छा एक चीज आओ, न्यूजीलैंड भी आपने सुना होगा, अभी सीरीज मैच भी हो रहा है न्यूजीलैंड से, तो आप परिचित हो न्यूजीलैंड कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया को जानते ही मकर रेखा, अभी ये उसके ठीक सामने देखिए न्यूजीलैंड है। अभी हम लोग जब रेखा पढ़ेंगे एक बार फिर ये न्यूजीलैंड मिलेंगे, कब, जब हम लोग देशांतर रेखा का अध्ययन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन। तो ये थे छोटा सा परिचय, सागर को बता दे, देखिए ये प्रशांत महासागर है, कौन सा सागर है, ये दोनों प्रशांत, ये दोनों कहां से हो गया, थोड़ा सा अब ग्लोब का जरूरत पड़ गई, अब ग्लोब को भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये है ग्लोब, आपने भी देखा होगा। अब आते हैं, पहले लेते हैं ये देखिए एशिया है, क्या है, एशिया, एशिया के पूर्व का हिस्सा देख रहे हैं पानीपुरा, तो एशिया पूर्व क्या है, ये हिस्सा है। अब देखिए ये एशिया के पूर्व से पृथ्वी किधर चलती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, तो देखिए एशिया इधर चलते गए, ये अटलांटिक महासागर आ गया, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब आते हैं पीछे, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पीछे की हिस्सा, और ये देख रहे हैं ये पूरा जो सागर दिख रहा है, इसका मतलब ये ग्लोब को मोड़ेंगे ये दोनों जाके क्या हो जाएंगे, देखिए अलास्का है, ये अलास्का पहले रशिया का था, इसने अब अमेरिका को दे दिया, और इस पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का कब्जा है अलास्का, और ये इसका एक राज्य है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग महाद्वीप तो इसका चर्चा करेंगे हम लोग, तो ये अलास्का जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो दिख रहे हैं ये बड़ा सा एक महाद्वीप हो जाएगा, देख रहे हैं ये पूरा, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम हिस्सा, यूरेशिया के पूर्व का हिस्सा, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है। इसको भी पढ़ेंगे अलग अलग, चिंता ना करें, यहां भी पढ़ेंगे और ऑप्शनल जब पढ़ेंगे वैकल्पिक विषय ग्रुप में तो अच्छे से एकदम पढ़ेंगे। अब आते हैं आगे, अब पुनः आते हैं, अब देखिए ये हिंद महासागर, भैया एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया, किस देश के नाम पर रखा गया हिंद महासागर, किस देश के नाम में हिंद महासागर का नाम रखा गया, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अभी खोज के बताइएगा आगे। अच्छा हिंद महासागर का एक नाम और था, पुराना नाम, वो बताइएगा क्या है, वैसे मोहम्मद सरफराज साहब जब पढ़ाएंगे बात के भूगोल तो वहां आपको बताएंगे ये। फिर आगे आते हैं, ये अटलांटिक महासागर है, इसे यस आकार का दिख रहे हैं, यस आकार का। अच्छा वैकल्पिक विषय पढ़ेंगे तब वहां बताएंगे यस क्यों बना, इसको दो हिस्सों में बांट दिए, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसे एक नाम से और जानते हैं आंध्र महासागर, फिर देखेंगे क्यों बड़ा हो रहा है क्यों छोटा हो रहा है, इसमें क्या है कटक है, ठीक वो कटक क्या है, कटक क्यों बना, तो कई थियरी वहां पे आ जाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे समुद्र नित्तल प्रसरण का सिद्धांत, ठीक, तो वो सारी चीजें मिलेंगी वैकल्पिक विषय में, अभी हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं इसलिए उन सब चीजों को स्किप करते हुए चलेंगे, अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे। आगे आते हैं, ये देख रहे हैं ये कौन सी है, ये इसके पीछे प्रशांत, इसके पूर्व प्रशांत, प्रशांत दो हो गया, ये हो गया हिंद महासागर, इनके इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर कहाँ है, देखिए ऑस्ट्रेलिया है ये, उसके नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, ये व्हाइट वाला देख रहे हैं, अच्छा हाँ महाद्वीप में तो भूल गया था बताना, अंटार्कटिका महाद्वीप जो यहाँ पे सात महाद्वीप है ना, अंटार्कटिका एक, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर क्वेश्चन भी था सात महाद्वीप के नाम, अंटार्कटिका महाद्वीप एक, ऑस्ट्रेलिया दो,
एशिया 3, यूरोप 4, ये अफ्रीका 5, उत्तरी अमेरिका 6, दक्षिण अमेरिका 7, 7 महाद्वीप है। और ऊपर देखिए आर्कटिक सागर महासागर, आर्कटिक महासागर, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सागर मिलेंगे, झील मिलेंगे, वो कहाँ है वो आप देखते चलिए। अब लैब्राडोर की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये भी नहीं पढ़ना है, ये हम लोग कब पढ़ेंगे, वैकल्पिक विषय, क्योंकि सामान्य अध्ययन में इतना डीप में नहीं आता, ऊपर उससे चलते चलेंगे, क्योंकि आप शायद पहली बार भूगोल पढ़ रहे हो, शायद पढ़ चुके हो, शायद आपको बकवास भी लग रहा होगा, जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन हाँ वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाएंगे, आप भी आपकी भी दिल खुश हो जाएगी। लेकिन ये आपको मैंने प्रयास किया समझाने का, तो आप थोड़ा सा भारत के बारे में छोटी जानकारी पढ़ लेते हैं मैप के आधार पर। मैंने बताया मैप कैसे पढ़ना है आपको, चलिए अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे अलग होते हैं, किससे नहीं बताएंगे, किससे अलग होते हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कहां से अलग होते हैं, ठीक, वो कोई कृत्रिम चीज है, क्या कृत्रिम है वो आप बताइएगा। ये भारत का नक्शा, अब भारत का नक्शा कैसा है, राजनीतिक या प्राकृतिक, अगर आप जानते हैं तो तुरंत बता देंगे क्या है, लेकिन ऊपर लिखा भी होता है यहाँ पे राजनीतिक और मार्गदर्शक, ठीक, राजनीतिक और मार्गदर्शक। इसमें क्या है, वर्तमान समय देखिए भारत है, भारत में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत में मोहम्मद सरफराज जी बताए होंगे, और हाँ एक बात और मैं आपको बता दें कि जो भी हमारे यहाँ भारत भूगोल की सीरीज मोहम्मद सरफराज जी पढ़ा रहे हैं वो सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ा रहे हैं, जब हमारे यहाँ वैकल्पिक विषय के रूप में चलेगा भारत का भूगोल, वो पूरी तरह से वो पीसीएस सेकंड पेपर ऑप्शनल का और यूपीएससी को लेकर कवर करके हम लोग चलेंगे। अभी जो पढ़ा यार वो सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से है, ये मत सोचिएगा कि यार जो सरफराज सर पढ़ा रहे हैं इस समय वो ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो सामान्य अध्ययन का ही इंडियन ज्योग्राफी है, क्योंकि जब हम लोग डीप में चलेंगे तो एक एक टॉपिक को खींच खींच के पढ़ेंगे, जूम कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सफल होना है, और वास्तव में ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग तो ही है। अब आते हैं, अब जैसे ये हमारे क्या है, भारत है, सरफराज जी ने आपको पढ़ा होगा, 7 पड़ोसी देश, 7ों का नाम आपको पता होंगे, उनकी सीमाएं पता होंगी, पूर्व में क्या है, पश्चिम क्या, उत्तर क्या, उसका परिचय नहीं करेंगे। एक बात ये बताएंगे कि भारत के राज्यों की लोकेशन आप याद कर लीजिएगा, कौन सा राज्य कहाँ पे, कौन सा राज्य का मतलब, देखिए अब जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं किन राज्यों से लगती है, दो राज्य कौन से है, उत्तर प्रदेश सीमा किन राज्यों से लगती है, अब गोवा की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, तमिलनाडु सीमा कितने राज्यों से, वो राज्य कौन कौन से है, कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं लोअर में, और जितने भी सामान्य अध्ययन के पेपर हुए हैं, ऐसा नहीं बड़े बड़े बच्चों हम पूछे हैं कि भैया इसमें से मध्य प्रदेश सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती, किस राज्य के साथ नहीं लगती, सॉरी किस राज्य के साथ, अब भैया मैप पता होगा तब तो करेंगे हम, इसलिए आप कुछ मत करिए, सुबह उठने के बाद 5 देश के नाम 5 राज्य के नाम आगे इसे खाली देख लीजिए, उसकी राजधानी, बस कुछ मत करिए, एक बार 5ों राज्य को देख लीजिए उसकी राजधानी, उसके बाद आंख मूंद के अगर आपकी उंगली से पड़ गई तो बता देंगे इस समय आप कहां पे हैं, यह है उत्तर प्रदेश में, अपना प्रदेश कहां पे है, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में, तो आप अपने आप मतलब ब्लैंक मैप आएगा वो हो जाएगा, और आपको बताऊंगा आपको भी प्लान मैप भी खरीद के रखना होगा, क्योंकि हम अलग से मैपिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी नहीं सामान्य अध्ययन में जितना होगा होगा, बाकी जब हम वैकल्पिक शुरू करेंगे तब, अभी मत कहिएगा वैकल्पिक कब शुरू करें, क्योंकि अभी आपके सामने जो है पहले उसको देख लेते हैं, अपर लोअर समीक्षा अधिकारी और आगामी लेखपाल और सामान्य अध्ययन में पढ़ाई रहे, उसके बाद नए सत्र से शुरू करेंगे, कंप्लीट हो जाएगी, ताकि सामान्य अध्ययन के किसी भी स्टूडेंट को कहीं भटकना ना पड़े। तो ये राज्यों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है, इसके बाद आपको इसकी हम राजनीतिक के साथ साथ अब इसकी प्राकृतिक भी दिखा देते हैं, क्योंकि आप की कलर देख लीजिए, और देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे मार्गदर्शक, ये देश के बारे के क्या है, इसके रेल लाइन वायु मार्ग उसके बारे में दिया गया है, इसके लिए भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये देख रहे हैं ना सरफराज जी ने बताया होगा अंडमान निकोबार द्वीप कैसे है, कौन निकोबार 10 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल, तो ये भी ऑप्शनल नहीं है, याद रखिएगा वो भी ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहा है, ये ऑप्शनल के लिए अभी आपको एक बार थोड़ा सा बेहतर पढ़ लीजिए, फिर हम प्रयास करेंगे और सरफराज जी अथवा हमें ऑप्शनल पढ़ाएंगे आपके लिए। अब देखिए ठीक, तो अब ये था देखिए कलर्स में दिख रहा है कलरफुल, कहेंगे सर इसके पहले तो ढेर सारे कलर थे या कलर कम, तो आप बताइएगा जो ये हरा कलर है वह किस चीज को निरूपित कर रहा है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यहाँ पे जो लाल कलर दिख रहा है यह क्या दर्शा रहा है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये जो यहाँ पे देखिएगा धाराएं कई कलर में दिख रही है, ध्यान देखिएगा यहाँ धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, तो डार्क क्यों होता जा रहा है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके पहले ही आपको बता दिया था। तो ये देखो मैं इसलिए दिखाया ताकि मैप का आपको अंतर पता हो जाए, उसके बाद इस मैप पे नीचे भी कुछ दिया गया उसको बताते चले, यहाँ दिया गया है वर्षा एवं पवन का प्रवाह, अब कहेंगे ये पवन कौन है, भैया पवन हनुमान जी के पिता थे,
आप जानते होंगे, और पवन हमारे यहाँ डीएलएड के उनको भी जानते होंगे, पवन की सीरीज भी आप परिचित होंगे। तो ये हो गए पवन। तो अभी ये चीजें आपको थोड़ा कम समझ में आएंगी, ये मोहम्मद सरफराज जी पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम भी देखिए मोहम्मद सरफराज जी अगर ऑप्शनल के लिए उसके लिए पढ़ा लेते हैं, फिर ऑप्शनल के लिए इंडियन ज्योग्राफी मैं शुरू करूंगा। तो ये सारी चीजें एकदम तोड़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अभी आपके समझ में थोड़ा सा जो पढ़े उनको आता होगा, बाकी के लिए मुझे समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हो सकता है आप जानते होंगे, दी बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो ये था मेरा भूगोल का शुरुआत करने का ये मैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, जो केवल यह प्रारंभिक था। आज हम शुरू करते थे, मैंने भूगोल का ये पहला अध्याय था, क्योंकि भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते इसे एक ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन में पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मैप सबसे जरूरी है। अगर मैप नहीं है तो आप एटलस ले लीजिए, ब्लैंक पेपर ले लीजिए, हाईलाइटर ले लीजिए। ब्लैंक पेपर का मतलब क्या है, ए4 साइज पेपर या जो कॉपी आती है वो ले लीजिए आप, वो सारी चीजें आप रख लीजिए। उसके बाद अगर पढ़ना शुरू करेंगे पढ़ने में और मजा आ जाएगा। हाँ, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती हैं, केंद्र शासित को मिला के, माने कुल कितने राज्य केंद्र शासित के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, और शायद आप उससे परिचित भी होंगे, भारत क्योंकि आपने मोहम्मद सरफराज जी पढ़ा रहे हैं, वो शायद आपको पढ़ा दिए होंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और हाँ, इसके बाद हम शुरू करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, उसके पहले एक छोटा सा परिचय लेंगे, ठीक। अच्छा हाँ, अभी मैं ग्लोब वगैरह बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ग्लोब और के बाद इसके बाद मैं चैप्टर लूंगा ग्लोब और मानचित्र, हो गया। इसके बाद एक छोटा सा अध्याय लूंगा कि अक्षांश देशांतर क्यों पढ़ना है, उसके बाद हम लोग अक्षांश देशांतर रेखा को पढ़ेंगे, और पढ़ने में काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। तब तक अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। हाँ, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, 11 फरवरी से शुरू है। उसके बाद मेरी क्लासेस तो आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी, और इसी प्रक्रम में मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं आपके लिए सेवारत हूँ, सेवारत रहूंगा। तो आप सभी साथी इतनी चीजें इकट्ठा कर लें, और हम इंतजार करें अगले वीडियो का, जल्दी हम आपके सामने होंगे, और आपको सामान्य अध्ययन कोर्स जल्दी कंप्लीट होंगे, इतिहास भी प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी साथी पढ़ना शुरू कर दीजिए, और राज्य को और देश की सीमाओं और उनके नाम राजधानी भी याद करना शुरू कर दीजिए। बाकी इसके बाद हम हर वीडियो में एक देश और उसकी राजधानी का नाम आपको बताते चलेंगे और पूछते चलेंगे, ताकि आपका भी तैयार होता रहे, और साथ में आप पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी साथियों तक पहुंच जाए, और वो भी भूगोल पढ़ना शुरू कर दे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, और जो पढ़ रहे थे उनके लिए तो सारी चीज हवा लग रही होंगी, क्योंकि पहले से ही पढ़ चुके थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।